भारत में मनी लॉन्ड्रिंग और जहरीले भाषण देने के आरोपी जाकिर नायक को कतर की सरकार ने फुटबॉल वर्ल्ड कप के दौरान इस्लामिक उपदेश देने के लिए बुलाया है। गिरफ्तारी के डर से भारत से फरार होने के बाद इंडोनेशिया से संगठन चला रहा नायक कतर भी पहुंच चुका है। कतर के सरकारी स्पोर्ट्स चैनल अलकास के टेलीविजन प्रेजेंटर अल हाजरी ने बताया है कि नायक फुटबॉल फैंस को उपदेश देगा। दरअसल फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन पहली बार मुस्लिम देश में हो रहा है। एक्सपर्ट इसे इस्लामिक प्रचार के टूल में भी देख रहे हैं। कतर सरकार के स्वामित्व वाले स्पोर्ट्स चैनल अलकास के प्रस्तुतकर्ता फैसल अल हाजरी ने ट्वीट किया। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, उपदेशक शेख जाकिर नायक विश्व कप के दौरान कतर में मौजूद हैं और पूरे टूर्नामेंट के दौरान कई धार्मिक व्याख्यान देंगे। कतर के मीडिया एंड फिल्म प्रभारी जैन खान ने भी एक आमंत्रित गणमान्य व्यक्ति के रूप में कतर में नायक की उपस्थिति की पुष्टि की है और उन्होंने भी ट्वीट किया है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, हमारे समय के सबसे लोकप्रिय इस्लामिक विद्वानों में से एक डॉक्टर जाकिर नायक फीफा वर्ल्ड कप के लिए कतर पहुंच गए हैं। बता दें कि भारतीय गृह मंत्रालय ने 17 नवंबर को जाकिर नायक के एनजीओ इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन पर 5 साल के लिए बैन लगा दिया था, जो 17 नवंबर को खत्म होने वाला था। बैन खत्म होने वाले दिन ही सरकार ने बैन की अवधि को 5 साल के लिए बढ़ा दिया था। बता दें कि जाकिर नायक को फीफा वर्ल्ड कप में बुलाने को लेकर सोशल मीडिया पर लोग तरह तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। लोगों ने कहा है कि जाकिर नायक को फीफा वर्ल्ड कप में बुलाना कतई ही सही नहीं है। बता दें कि अब 2026 तक इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन केवल भारत में ही नहीं जाकिर नायक पर ब्रिटेन में भी प्रतिबंध है। दरअसल जाकिर नायक के जहरीले भाषणों के कारण ब्रिटेन ने उस पर प्रतिबंध लगा रखा है। अब आप सोच सकते हैं कि ऐसे शख्स को कतर की भारत विरोधी सरकार ने इस्लाम का प्रचार करने के लिए फीफा वर्ल्ड कप में बुलाया है, तो इसको लेकर किस प्रकार की प्रतिक्रियाएं आ सकती हैं। टीम साउथ ब्लॉक डिजिटल।